भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब मुझे स्टूडियो में जाने का जरूरत नहीं है। मेरा खुद एक मोबाइल स्टूडियो है। जी हाँ, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल से स्टूडियो क्वालिटी हर चीज आप कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल से। अगर भाई आपको इस वीडियो में जानकारी नहीं मिलेगा तो प्लीज हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और भाई ये लिख देना कि भाई बकवास वीडियो क्यों बनाते हो। तो इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि वीडियो को थोड़ा आप देख लीजिए, उसके बाद भाई जो बोलोगे मैं आपके बात को एक्सेप्ट करूंगा। तो सो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल अजीत टेक्निकल टीम। इसी तरह से मजेदार टॉपिक देखने के लिए भाई आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दिल को सुकून कर दो, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो इसी तरह से मजेदार टॉपिक आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मेरा आज का यही टॉपिक है कि आप अपने मोबाइल से कैसे स्टूडियो क्वालिटी में वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको यकीन नहीं आ रहा तो प्लीज हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा सॉन्ग का लिंक है, आप एक बार जरूर सुन लीजिएगा कि उसमें मेरा आवाज और कैसे मैं अपने गाने को रिकॉर्ड किया हूं, वो भी मैं अपने मोबाइल से ही मतलब वो गाने को रिकॉर्ड किया हूं। तो चले दोस्तों, बिना बकवास के आज की वीडियो को हम लिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंट्रैक 9 इस ऐप्स का नाम है, वहाँ से प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको इस वीडियो को देखना है। जैसे दोस्तों आप उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप खुल जाएगा। कुछ नहीं आपको करना है, यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने फिर से एक आएगा तो यहाँ पे कट डिस्क का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई जब मैं इस ऐप्स को देखा था यार मैं भी परेशान हो गया, क्योंकि भाई मेरे पास लैपटॉप है और उसमें मैं अपना गाना रिकॉर्ड करता हूँ। अगर आप सबको नहीं पता होगा कि डिस्क्रिप्शन में अपना सॉन्ग का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप सुन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं जो स्टूडियो वाले सब यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, सेम सॉफ्टवेयर मैं भी यूज करता हूँ, विंडो 4 वो लोग सब यूज करते हैं। तो दोस्तों मैंने देखा यार सेम टू सेम प्रैक्टिकल विंडो 4 में जो एप्लीकेशन सारा कुछ दिया हुआ है सेम इस ऐप्स के अंदर भी दिया है। तो यार मैंने सोचा क्यों नहीं यार मैं अपने मोबाइल से, क्यों हम लैपटॉप से चाहे स्टूडियो में गए, हम अपने मोबाइल से स्टूडियो क्वालिटी बना सकते हैं, आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैंने इस वीडियो को बनाया हूँ। तो दोस्तों अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है ना तो थोड़ा सा वीडियो, उसके बाद जो बोलना भाई मैं आपका बात को एक्सेप्ट करूंगा। तो चलिए दोस्तों बिना बकवास किए हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब आपके सामने इस तरह का एक पेज खुल जाएगा तो आपको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, एड ऑडियो ट्रैक पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों मेरा जो ट्रैक सॉन्ग पर मैं गाऊँगा ये मेरा हो गया। देन यहाँ से दोस्तों मैं एक और अपना वोकल रिकॉर्ड करने के लिए फिर से एड ऑडियो ट्रैक पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मेरा ये दो मतलब 1-2 हो गया ऑडियो। तो सिंपली दोस्तों सबसे पहले मैं ऊपर पे क्लिक किया हूँ और यहाँ से दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, अपना ऑडियो ट्रैक सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे राइट हैंड में 3 डॉट का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे सबसे आप नीचे थोड़ा सा आएंगे तो इम्पोर्ट ऑडियो फाइल पर आपका आ जाएगा ऑप्शन। सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको तीर का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, आपका स्टोर में जितना भी फाइल रहेगा यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको एक अपना ट्रैक सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं एक ट्रैक सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरा एक ट्रैक है, यहाँ पे मैंने दोस्तों सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो आपके सामने जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सेलेक्ट हो गया, लेकिन ये मेरा सबसे ऊपर में आपको ये अपना आइडियो को लेकर जाना है। तो चलिए मैं सबसे ऊपर में लेकर चला गया अपने आइडियो को। उसके बाद दोस्तों आपको देन कुछ नहीं करना, ज़्यादा आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, इस पर आपको क्लिक करके आपको स्टार्टिंग में आ जाना है। चलिए यहाँ उसके बाद दोस्तों मैं एक बार प्ले करके देख लेता हूँ। आपको मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ से आप जूम भी कर सकते हैं, इसको बड़ा भी कर सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं। अगर आपको गाने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरा आवाज़ कहाँ से रिंगटोन बन रहा है तो इसको आप जूम भी कर सकते हैं, बहुत परफेक्टली आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। भाई थोड़ा सा आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बोल देना भाई जो बन रहा है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं अपना आवाज़ को यहाँ से मैंने रिकॉर्ड किया, स्टार्ट करता हूँ इसको। हाँ से दोस्तों मैं इसको एक बार प्ले करके देख लेता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों मेरा स्टार्टिंग हो जाता है रिकॉर्ड करने के लिए, यहाँ से मैं अपना वोकल रिकॉर्ड करूँगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको ये सेकंड पे जो आप रिकॉर्ड किए हैं इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड में रिकॉर्ड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। दोस्तों मैं रिकॉर्ड करने से पहले आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, आप इसको अपने आवाज़ का ट्रैक को वॉल्यूम को कम बेसी भी कर सकते हैं।
इसको कम भी कर सकते हैं, वही नीचे में भी आप अपने जो वोकल रिकॉर्ड करेंगे इसको भी आप कम बेसी जिस तरह से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपको कम बेसी इसलिए दिया है कि अगर आपको ज़्यादा मतलब आपका कान में अगर वैल्यूम मतलब ट्रैक आ रहा है तो इसको कम करके आप गा सकते हैं। उसका दोस्तों चलिए मैं थोड़ा सा नॉर्मल रख देता हूँ, उसके बाद अपना वोकल अपना आवाज़ को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। उसका दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना रिकॉर्डिंग। चलिए थोड़ा सा मैं पीछे आ जाता हूँ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्ले पे क्लिक किया हूँ, यहाँ पे सेकंड पे क्लिक करके ये रिकॉर्ड को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सॉरी दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया यार, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एयरफोन से रिकॉर्ड करते हैं तो आपको काफ़ी परफेक्ट रिकॉर्ड होगा, लेकिन दोस्तों अभी मेरे पास नहीं अवेलेबल है तो मैं आपको अपना वैसे ही मतलब बिन एयरफोन को ही मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। अगर आप एयरफोन से रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत आपको क्लियर रिकॉर्ड होगा। आपको मैं बता देता हूँ कि आप वैसे मैं कैसे अपना रिकॉर्ड करता हूँ और मेरा आवाज़ कैसे अभी सुनाई में दे रहा है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरी दिलबर थोड़ा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो तू भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरी दिलबर थोड़ा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो तू भी मुझसे प्यार कर लो। तो यहाँ से दोस्तों मैं अपना रिकॉर्ड को स्टॉप कर दिया, उसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा सा प्ले करके देख लेता हूँ मेरा आवाज़ कैसा रिकॉर्ड हुआ। चलिए मैं इसको यहाँ से प्ले करता हूँ। यहाँ से दोस्तों अगर आप एम पे के कर दें तो आपका जो ट्रैक सॉन्ग था उसका वैल्यूम कम हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा। चलिए कुछ नहीं, इसको मैं ओपन करता हूँ, मैं देख लेता हूँ मेरा आवाज़ कैसे रिकॉर्ड हुआ है। आपको दोस्तों मैं पहले ही बता दिया कि अगर आप एयरफोन से रिकॉर्ड करते हैं तो काफ़ी परफेक्टली आपको रिकॉर्ड होगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं वैसे ही गाया हूँ इसलिए से थोड़ा म्यूजिक का भी आवाज़ मेरे साथ रिकॉर्ड हो गया, तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरी दिलबर थोड़ा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो। तो सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरा वोकल किस तरह से रिकॉर्ड हुआ। आप दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है कृपया आप ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे अपने वोकल पे मैं क्लिक किया हूँ और यहाँ से मैं थोड़ा इम्प्रेशन इक्यू सब कुछ यहाँ से मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। सेम प्रैक्टिकली दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ तो स्टूडियो क्वालिटी में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने गाने को अपने मोबाइल से बना सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं अपना वोकल पे क्लिक किया हूँ, यहाँ पे दोस्तों राइट हैंड में सबसे ऊपर में यहाँ पे आपको इस तरह का एक ऑप्शन जो दिख जाएगा यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे EQ का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो कुछ नहीं करना है सिंपली यहाँ पे आपको यहाँ से अभी अपना वोकल को आप वैल्यूम कम बेसी कर सकते हैं, लेकिन चलिए इस पर आपको EQ पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पॉपो खुल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपने गाने को पहले प्ले करके देख लेता हूँ और यहाँ से आप अपने अनुसार आवाज़ को चेंज कर सकते हैं। मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरी दिल।
तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इस तरह से अपने आवाज़ को सेलेक्ट कर लिया हूँ, मतलब इक्यू लगा दिया। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सबसे नीचे में आपको इस पर आपको क्लिक करना है। फिर से दोस्तों आपको यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन दिया हो गया है, आप अपने आवाज़ को चेंज कर सकते हैं। चलिए फिर से मैं प्ले कर लेता हूँ। तो अपने अनुसार दोस्तों इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसका दोस्तों मैं फिर से बैक आ जाता हूं और यहां पे दोस्तों फिर से मुझे इसी पे क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करके और एड ई एफ एक्स पे आपको फिर से क्लिक करना है। यहां पे जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने टच हेयर दो एड एंड इफेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पे दोस्तों अब मैंने कंपटीशन ऑलरेडी लगा दिया, जो भी मैंने लगाई यहां पे सारा आपको इस तरह का जो ऑप्शन आप देख जाए आपको मिल जाएगा। यहां पे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, रिवर्स आपको थोड़ा सा लगा देना है। चलिए मैं इस तरह से रिवर्स लगा देता हूं, प्ले करके देखिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यार, सेम स्टूडियो क्वालिटी जैसे आप अपने आवाज़ को मिक्सिंग भी कर सकते हैं आप। चलिए दोस्तों मेरा सारा कुछ कंप्लीट हो गया, फिर से मैं एक बार प्ले करके देख लेता हूँ कि मेरा आवाज़ कैसा कंप्लीट हुआ है या नहीं। चलिए मैं ओपन करता हूँ। थोड़ा रिवर्स दोस्तों मेरा इस सॉन्ग में ज़्यादा है, तो फिर से मैं दोस्तों रिवर्स थोड़ा कम कर देता हूँ, ये मेरा ज़्यादा हो चुका है, तो यहाँ से मैं इसको कम कर देता हूँ और इसके बाद अब सही है। तो इस तरह से दोस्तों मैं आपको बता दिया हूँ, वो भी क्लियरली यार, आप सेम अपने मोबाइल से ट्रैक पे गा सकते हैं स्टूडियो क्वालिटी में। दोस्तों मैं आपसे एक विनती करूँगा भाई, वीडियो थोड़ा मेरा लंबा हो गया लेकिन आपको मैं सारा कुछ जानकारी दे दिया हूँ। दोस्तों आपका सारा चीज़ कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको फिर से इस थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है और सेव सॉन्ग एक्सपोर्ट पे आपको क्लिक कर देना है। आपका यहाँ से मतलब आप फाइल में रखना चाहते हैं जिस फाइल में भी, यहाँ से आप फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इसमें रख देता हूँ और उसके बाद ओके कर देता हूँ। उसके बाद गो पे आपको क्लिक कर देना है, आपका ये वहाँ पे मतलब आपका ये सेव हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों मैं आपको बता दिया हूँ, बहुत क्लियर ही बता दिया हूँ कि आप स्टूडियो क्वालिटी जैसा अपना आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने मोबाइल से। हेलो फ्रेंड्स, तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो इसी तरह से मजेदार टॉपिक देखने के लिए। और इनसे रिलेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक कर लीजिए, उसमें बहुत आपको नॉलेज वीडियो मिल जाएगा सिंगर से रिलेटिव वीडियो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। लेकिन भाई फिर से आपको एक बार मैं कहना चाहता हूँ भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से मजेदार टॉपिक आपको मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना, मिलता है फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बंदे।